सो हे गाइज, अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि अब मैं शायद ही क्रिकेट खेलूंगा, मैं शायद ही उससे बात करूंगा, शायद ही मैं मोबाइल चलाऊंगा, अब मैं शायद ही तुमसे मिलूंगा। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए हार्डली इवन का यूज किया जाता है। हार्डली इवन का यूज होता है शायद ही कभी। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से लिखेंगे हार्डली इवन, उसके बाद से लिखेंगे वर्ब, इसके बाद से लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं शायद ही कभी क्रिकेट खेलूँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल हार्डली इवन प्ले क्रिकेट, आई विल हार्डली इवन प्ले क्रिकेट। मैं शायद ही कभी उससे बात करूँगा, आई विल हार्डली इवर टॉक टू हर, आई विल हार्डली इवर टॉक टू हर। अब शायद ही मैं कभी मोबाइल चलाऊँगा, नाउ आई विल हार्डली इवन यूज मोबाइल, नाउ आई विल हार्डली इवर यूज मोबाइल। मैं शायद ही कभी वहाँ जाऊँगा, आई विल हार्डली इवन गो देयर, आई विल हार्डली इवन गो देयर। अब मैं शायद ही कभी उससे मिलूँगा। यह सवाल आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।